हेलो एवरीवन वेलकम टू मैगनेट ड्रेन आई एमरेंज यू आई जी के ओ दैट इज इंटरनेशनल जी के ओलंपिया ट्रेनर फॉर ग्रेड नाइन्थ तो अभी भी जो हम प्लांट पे बात करने वाले हैं वो हम वही वही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने पहले किया था और अभी जो हमारी बातें चल रही हैं वो प्लांट के ऊपर ही चल रही हैं प्लांट किंगडम थोड़ा सा बड़ा है आपको टाइम लगेगा समझने में बट लेट्स बिगिन विद द टॉपिक्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट डिविजन बेस्ड ऑन द हैबिटेट्स लास्ट हमने जो किया था आपको लग रहा है कि ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक है नहीं वो जो हमने किया था वो ग्रोथ हैबिट्स पे बेस्ड प्लांट क्लासिफिकेशन किया था आज हम करने वाले हैं उनके हैबिटेट पे बेस्ड डिवीजन की बात ओके सो लेट्स बिगिन विद दिस अब इसके बारे में हमें ये समझना पड़ेगा जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो पहले तो हमने प्लांट टाइप्स डिस्कस किए थे हमने डिस्कस किए थे ट्रीज श्रब्स टेंड्रल्स जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं बाकी रूट्स और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं राइट स्टेम्स लीव्स ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं क्लाइंबर्स क्रीपर्स एवरीथिंग सेड एंड डन नाउ वी आर डिस्कसिंग प्लांट्स का जो डिवीजन है जो क्लासिफिकेशन है उनकी नेचुरल हैबिटेट के बेसिस पे वो कहाँ रहते हैं जोग्राफिकल कंडीशंस के बेसिस पे और बाकी इकोलॉजिकल उनकी सेटअप के ऊपर नाव वट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस उसको हमने चार क्लासिफिकेशन में बांटा है हमने बांटा है आई मीन बोटानिस्ट ने बांटा है बट वी आर गोइंग टू स्टडी द फोर क्लासिफिकेशन फर्स्ट इज एम द फर्स्ट इज एम्रोफाइट एम्ब्रोफाइट दूसरा नाम है जो कि कॉमनली आप अगर इसको सुनते होंगे तो एम्ब्रोफाइट थोड़ा सा साइंटिफिक सा नाम है लेकिन आपने टेरिस्ट्रियल प्लांट्स ज़रूर सुने होंगे तो एम्ब्रोफाइट इज इज़ द सेम थिंग एज टेरिस्ट्रियल प्लांट और इसका मतलब होता है वो प्लांट जो कि ज़मीन पे उगते हैं या लैंड uh, सर्विस पे उगते हैं या ग्रो uh, करते हैं अब इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ uh, और बहुत सारी किस्में आ जाती हैं पर मोटे तौर पे जो हम ये बात बोलते हैं जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में हर वो प्लांट हर वो ट्री हर वो पेड़ की प्रजाति जो कि ज़मीन पे उगती है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट होती है और टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है वो एम्ब्रोफाइट्स कहते हैं सेकेंड कैटेगरी होती है इक्वेटिक प्लांट्स की इक्वेटिक एज द नेम सजेस्ट एक्वा से आप समझ ही गए होंगे वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर राइट तो ये जो होते हैं वो होते हैं पेड़, वो पेड़ जो कि पानी के अंदर होते हैं जो ओशंस में होते हैं रिवर्स में होते हैं पॉन्ड्स में होते हैं उनको हम इक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं एंड ऑफकोर्स एफ यू नो जितनी लाइफ है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स द लाइफ ऑन अर्थ बिगैन इन वाटर इन ओशंस तो उसमें से इक्वेटिक टू बी द ओल्डेस्ट स्पीशीज ऑफ प्लांट थर्ड है एपीफाइटिक एपीफाइटिक जो होते हैं वो लिविंग ऑन ट्रीज होते हैं ये वो पेड़ होते हैं वो प्लांट होते हैं जो कि दूसरे पेड़ों के ऊपर रहते हैं फोर्थ कैटेगरी होती है लिथोफाइटिक लीथोफाइटिक वो होते हैं जो कि लिविंग विच लिवस इन और ऑन रॉक्स जो हिल्स uh, पे या uh, माउंटेन्स पे अंदर की तरफ रहते हैं या ऊपर की तरफ रहते हैं उसको हम कहते हैं लिथोफाइटिक्स अब हम पहले से स्टार्ट करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स से जिसको हमने बोला था एम्ब्रोफाइट प्लांट्स अब इसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं राइट एम्ब्रोफाइट प्लांट्स बहुत सारी इसकी कैटेगरीज होती हैं बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जो भी पेड़ हम जमीन पे देखते हैं लगे हुए गार्डन्स uh, में लैंड पे फॉरेस्ट में ये सब इसी के अंदर आते हैं अब इसमें दे आर इनफॉर्मली कॉल लैंड प्लांट्स इनको इनफॉर्मली लैंड प्लांट्स बोला जाता है बिकॉज दे लिव प्राइमरली इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट विथ एक्सेप्शन में रिटर्न बैक टू इक्वेटिक हैबिट इंडिपेंडेंटली ज्यादातर ये जमीन पर ही रहते हैं कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि बहुत क्लियर डिविजन नहीं होता जिसमें कुछ प्लांट्स की प्रजाति ऐसी है जो जमीन पर भी पाई जाती है और इक्वेटिक में ओशंस में, में या रिवर्स में या सोल्ट वॉटर में या फ्रेश वाटर बॉडीज में भी पाई जाती है वाइल्ड रिलेटेड ग्रीन एल्गी प्राइमरी इक्वेटिक जैसे एक ग्रीन एल्गी है वाइल्ड ये टेरिस्ट्रियल से रिलेटेड तो है लेकिन उसको इक्वेटिक में माना जाता है एम्ब्रोफाइ आर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर यूरोपेश रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन अब ये जो मल्टी सेल्युलर होते हैं हमको पता ही है क्या होते हैं जिसमें न्यूक्लियस जो एनवलप है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो होते हैं और ये स्पेशलाइज उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं कुछ एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, वो तो हर जगह एक्सेप्शन होते हैं इन एक्सेप्शन डोन्ट मेक द रूल तो हम एक जो ब्रॉड डेफिनेशन है हम उसको मान के चलते हैं ये एनर्जी जो है फोटोसिंथेसिस से पा, से गेन करते हैं सनलाइट से गेन करते हैं और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपनी एनर्जी इनको मिलती है और ये खाना बनाते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं दैट इज बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट टू सिंथेसाइज़ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर राइट फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा हुआ है तो हमें पता है कि पूरा प्रोसेस क्या होता है सनलाइट so, uh, और पानी और मिट्टी और बाकी सारी जो चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए और ये अपना खाना को बनाते हैं उसके थ्रू ये बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं जिससे इनको एनर्जी मिलती है एंड दिस इज हाउ दे वर्क मोस्टली राइट वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्टली बहुत एक्सेप्शन्स भी होते हैं बट एज आई सेड एक्सेप्शंस डोंट मेक द रूल वी नीड टू स्टिक टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इट और इसके अलावा दे प्राइमरली टू लाइफ ऑन लैंड ऑल दो सम आ एक्वेटिक जैसे कि मैंने कहा कि बेसिकली लैंड पे रहते हैं और ये प्राइमरली अडेप्टिव हैं इन्होंने अपने आप को जो इनका स्ट्रक्चर है जो इनके हैबिटेट्स हैं ट्रेड्स हैं वो इस तरह के हैं कि ये ज़मीन पर सर्वाइव करते हैं पर कुछ कुछ ऐसे हैं जो कुछ इनके सेकेंडरी जो ट्रेड्स हैं वो ऐसे डेवलप हो गए हैं कि एक्वेटिक उसमें भी एकवेटिक सराउंडिंग्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं या कर लेते हैं अकॉर्डिंगली दे ऑफन कॉल लैंड प्लांट्स और टेरिस्ट्रियल प्लांट ये तो हमने शुरू से ही डिस्कस कर लिया कि इनको बोलचाल की भाषा में जो कोलोकियल डिक्शन है कोलोकियल लैंग्वेज है उसमें इनको लैंड प्लांट्स या टेरिस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है अब टेरेस्ट्रियल क्या होता है विच इज लैंड ड्वेलिंग इन्वेसिव प्लांट इंक्लूड्स नॉन नेटिव प्लांट्स इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज होती हैं जो कि नॉन नेटिव प्लांट्स होते हैं वॉट डू दे मीन वट डू यू मीन बाय दैट दैट दो मेम्बर्स ऑफ किंगडम प्लांटे दैट ग्रो इन नॉन एकटिक हैबिटेट इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल फील्ड रेंज लैंड फॉरेस्ट अर्बन लैंडस्केप वाइल्ड लैंड अलोंग विद दॉटरवेज ओके तो हमने uh, समझ लिया हमने बहुत अच्छे समझ लिया कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि एम्ब्रियो एम्ब्रियोफाइट्स uh, क्या होते हैं एम्ब्रियोफाइट प्लांट्स क्या होते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है ये वही पेड़ पौधे हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं जो जमीन पे लगते हैं बस इसका एक साइंटिफिक सा भारी भरकम सा नाम है सो यू डोंट यू नो आर लैंड डवेलिंग प्लांट्स और ट्रीज अब इसमें हम और आगे डिस्कस करेंगे टेरिस्ट्रल इन्वेसिव प्लांट इंक्लूड ट्रीज shrubs wine grasses and herbaceous plants right ab hame ye bhi pata chal gaya ki invasive plants mein kya kya aa jata hai ab hum isme discuss karte hain ki in terrestrial and invasive invasion augmented their diversity क्योंकि terrestrial uh, invasion जो हुआ इसने इनकी जो diversity है उसको ज़्यादा वाइडन किया ज़्यादा फैलाया है ज्यादा इनका जो जो ब्रॉडिफिकेशन हुआ है जो ब्रॉड क्लासिफ़िकेशन हुआ है वो इसी के बेसिस पे हुआ है एट प्रेजेंट देर आर सेवरल स्पीशीज दैट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दैर ऑफ कॉन बेयरिंग प्लांट्स अब बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आती है कॉन बेरिंग प्लांट्स में भी आती है अब लैंड की बात आप करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें तो हर तरह की वरायटी आ गई राइट right? उसमें तो जितनी आप प्रकार बोलेंगे उतने कम है उतनी सारी स्पीशीज इसमें पाई जाती हैं दो प्लांट्स आर नाउ एबल टू डायरेक्टली कलेक्ट दो थ्रू इट प्लांट्स आर नाउ एबल टू डायरेक्टली कलेक्ट कलेक्ट सोलर एनर्जी टू फ्यूल फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इनको डायरेक्टली मिल जाता है

और वो मोर इफेक्टिवली वो धीरे धीरे जब वो ऊपर बढ़ते हैं ना तो उन्होंने अपने आप को ऐसे डिवाइस किया है कि जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ेंगे जैसे जैसे वो अपराइट बढ़ते हैं तो उनको सन की एनर्जी सीधे या डायरेक्टली डिराइव करते हैं वो एंड बाई कम्बैटिंग एक्सेसिव हीट एंड एवेपोरेशन और किस तरह से करते हैं वो एक्सेसिव हीट जो है उसको कम्बैट कर पाते हैं और एवेपोरेशन को भी कर पाते हैं अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन भी एक टर्मिनोलॉजी uh, होती है स्टोमेटा क्या होता है बेसिकली लीव पे छोटे छोटे जो पोर होते हैं इसको हम स्टोमेटा कहते हैं और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ दे वेज और टू यू नो टू गो बाय एंड हाउ टू कंडक्ट दम सर्स एंड जिस तरह से एवेपोरेशन का एक जरिया होता है एवेपोरेशन से रिलेटेड कंसेप्ट होता है एग्जाम्पल्स ऑफ टेस्टल प्लांट इंक्लूड वेरियस फ्लावर प्लांट्स स्पीशीज सच एस ट्रीज एंड श्रब्स जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हर वो चीज जो कि जमीन में हम देखते हैं उगी हुई उसको हम टेस्टल प्लांट में ही काउंट करते हैं चाहे वो ट्रीज हो श्रब्स हो क्लाइंबर्स हों एवरीथिंग ओके अब हम आते हैं दूसरी प्रजाति पे दूसरी प्रजाति होती है एक्वाटिक प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक्वेटिक प्लांट्स सबसे पुराने सबसे पुराने सबसे प्रिमिटिव uh, अर्थ पे जो माने जाते थे जो प्लांट्स पाए जाते थे वो एक्वेटिक प्लांट ही थे इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जिंदगी जो है लाइफ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पानी से ओशन से ही स्टार्ट हुए और फिर वो लैंड पे फैले हैं सो दे आर द ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर्स ऑन द प्लानट ऑफ प्लानट ऑफ अर्थ एज वी कॉल इट एंड एज वी नो इट तो ये अपने आप में आज भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनको हम किसी भी तरह से इनके रोल को हम आउट प्ले नहीं कर सकते तो हम बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स की एक्वेटिक प्लांट्स डिपेंड्स ऑन देयर टाइप्स बट देयर फ्यू दैट रिमेन्स द सेम वो अगेन उसके टाइप पर डिपेंड करते हैं बट अगैन कुछ हैं जो बिल्कुल सेम रहते हैं कुछ लेक वाटर में मिलते हैं कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं कुछ पॉन्ड्स में घर पर भी लगा लिए जाते हैं और कुछ सी वाटर में सर्वाइव करते हैं तो वो डिपेंड करते हैं लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है कि वो पानी के अंदर में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक प्लांट्स कैन यूटिलाइज लेस ऑफ द रिसोर्स फॉर द पर्पज ऑफ सपोर्ट टिश्य एज दे आर नैचुरली एबल टू स्टे अ फ्लोट वो उनमें जो सपोर्ट टिश्य है उसकी यूसेज उनको कम जरूरत पड़ती है क्योंकि उनमें नेचुरली कुछ इस तरह की आ, की चीज़ें रहती हैं प्रॉपर्टीज़ रहती हैं दैट दे आर एबल टू तो स्टे अफ्लोट जो कि सम्मर्ज नहीं रहते वी आर टॉकिंग अबाउट दोज एक्वेटिक प्लांट फर्दर हो वॉटर लॉस डजेंट कंसर्न बिकॉज दीज प्लांट आर कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाय इट इसमें वाटर लॉस तो उनको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती क्योंकि चारों तरफ से चौबीस घंटे हमेशा अपनी लाइफ स्पैन में पानी से घिरे हुए रहते हैं but aside from those characteristics that are consistent here are some that vary based on classification ab of course jo consistent hain jo unke classifications jo unki consistent variety hai ya consistent type hai wo to humne discuss kar li पर अब हम बात करते हैं उसके अलावा भी कुछ ऐसे classifications हैं कुछ के अलावा भी जो हैं जो थोड़े से अलग हैं know, as we say, exceptions एक्सेप्शन ऑलवेज दे वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन नाउ सबमर्स्ड प्लांट सबमर्स्ड से मतलब क्या होता है समझ मतलब आप समझ ही गए होंगे जो पानी में डूबा हुआ होता है आर यूजली विदाउट क्यूटिकल लेयर इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सेसिव ड्राइनेस उसमें क्यूटिकल लेयर जो होती है वो नहीं होती ताकि वो ड्राइनेस को अवॉइड कर पाए राइट तो हमेशा पानी के अंदर रहते हैं समज्ड रहते हैं सम प्लांट्स लैक

जिसमें है इमर्स प्लांट्स हैव लीव्स दैट स्टिक आउट ऑफ द वाटर विद एक्सेस टू द एयर एंड सन अब इसका मतलब क्या हुआ जो इमर्स्ड प्लांट है उसकी जो वाटर uh, के बाहर रहती है कौन सी चीज़ें उसकी उसका स्टेम बाहर रहेगा और उसकी लीव्स बाहर रहेंगी ताकि उसको सनलाइट और एयर से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके एनर्जी मिल सके वो एक्सेस कर जा सके सनलाइट को और एयर को लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो हमेशा पानी के अंदर रहेंगी एट द बॉटम ऑफ दी बॉटम ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर, वो हमेशा पानी के अंदर रहेंगी बस उसकी स्टेम्स और लीव्स बाहर आएंगी फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैव लीव्स दैट फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ दॉटर एज अपोज टू स्टिकिंग आउट ऑफ इट फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं इनकी लीव्स जो होती है द्लोट ऑन द सर्फेस इनकी लीव जो है वो सर्विस पे फ्लोट करती हैं आपने काफ़ी सारे देखे होंगे आपने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे इसके जब आपने देखा होगा कि पेड़ों की जो एक्वेटिक प्लांट हैं उनके जो लीव्स हैं वो सर्विस पे ही हैं पानी के तो दोज आर फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स और बेनिफिट क्या है एक्वेटिक प्लांट्स का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस एंड फॉर इन्वायरमेंट जैसे कि मैंने कहा कि ये सबसे पुराने क्रीचर्स हैं सबसे पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अर्थ पे पाए जाते हैं और ये इतने पुराने हैं कि कई कई मिलियंस सालों पहले तक से इनकी उत्पत्ति हुई है इनफैक्ट लाइफ को जब हम मानते हैं तो हम ये मानते हैं कि वो ओशन से और इसी तरह से चालू हुई थी और यहीं से चालू हुई थी पर अभी भी अगर आज की डेट में भी हम देखा जाए ये तो हम पुरानी बात कर रहे हैं पर आज की डेट में भी अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा है क्योंकि साइंटिस्ट जो हैं पूरी दुनिया के वो आज भी ये मानते हैं कि 50 टू 80 परसेंट ऑक्सीजन जो है वो अर्थ की वो ओशंस में जो प्लांटन्स हैं जो ओशंस में जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनसे मिलती है बहुत स्ट्रेंज सी बात है राइट right? पानी के अंदर रहते हैं पर उनकी जो हमें 50 टू 80 परसेंट ऑक्सीजन है जो कि हम ब्रीथ करते हैं वो हमें वेटिक प्लांट से मिलती है और ये बात मानी जाती है ये प्रूवन बात है ये प्रूवन फैक्ट है दिस इज नॉट अ मिथ हम कई लोग इसकी बात करते हैं कि ये फॉरेस्ट से मिलती है एंड फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ अर्थ ऑफकोर्स दे आर फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ अर्थ बट उसके अलावा जो बेसिक अगर हम बात करते हैं कि हम कहाँ से सर्वाइवल के लिए हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का भंडार मिलता है वो हमें मिलता है ओशन से या एक्वेटिक प्लांट से तो दैट इज़ वाई अब ये बोलना तो फिजूल हो गया दैट दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू दी लाइफ ऑन अर्थ नाउ मेजोरिटी ऑफ दिस प्रोडक्शन इज फ्रॉम ओशनिक प्लैंकटन ओशनिक प्लैंकटन करके एक प्रजाति है एक, एक स्पीशीज है जिसके थ्रू ज्यादातर जो ओशन की की वजह से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है उसका भी ज्यादातर हिस्सा जो है वो ओशनिक प्लान्ट प्लैंकटन की वजह से मिलता है और एल्गी की वजह से मिलता है कुछ डिफरेंट प्लांट्स की वजह से मिलता है और बैक्टीरियाज की वजह से मिलता है जो कि फोटोसिंथिसाइज कर पाते हैं ओके okay? अब और बाकी क्या फायदे होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के फ़ायदे ये होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के कि प्रोटेक्शन देता है फिशेस को और अदर एक्वेटिक क्रीचर्स को और पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है ऑब्वियसली ये हमने अभी भी डिस्कस किया कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो पानी में बढ़ाता है क्योंकि विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अला एंड एंड अगर वो चीज़ नहीं हो तो ऑब्वियसली जो कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो अंदर जो क्रीचर्स रहते हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे वो तो अपने आप ही यू नो दे विलकम टू द एक्सटेंट ऑफ मे बी पेरिशिंग और दे विलकम टू द एक्सटेंट ऑफ बींग एक्सटिंक्ट ऑल्सो और दूसरा ये जो बड़े एनिमल्स होते हैं जो बड़े जो सी मैमल्स होते हैं बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनसे जो छोटी छोड़ छोटी मछलियाँ होती हैं वो भी जो है उसमें अपना घर बना लेती हैं छुपने की जगह बना लेती हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वो उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं उसके अलावा आपने देखे होंगे कुछ ऐसी वेराइटीज़ रहती हैं जो कि पानी को एक्वेटिक प्लांट्स की जो कि पानी के फ़िल्ट्रेशन का भी काम करती हैं वो अपने नेचुरल फ़िल्ट्रेशन में आना जाता है उनको कुछ कुछ वेराइटीज़ हैं कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि नेचुरल वाटर को जो नेचुरल फ्रेश वाटर है उसको प्योरीफाई करने का भी काम करती हैं और मेनटेन करती हैं एक्वेटिक फूड चेन को एक्वेटिक फूड चेन जब हम बात करते हैं फूड चेन की तो फूड चेन का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले जो हम खाने की जो कड़ी की बात करते हैं वो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो पेड़ों से ही होती है चाहे वो लैंड में हो चाहे वो एक्वाटिक उसमें हो जो शुरुआत है वो वहीं से होती है तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे एक्वाटिक प्लांट नहीं होंगे तो फूड चेन की जो कड़ी है वो अपने आप ब्रेक हो जाएगी और उस कड़ी के ब्रेक होने से ये होगा कि जो प्लांट है जो लाइफ है पानी के अंदर वो इम्पॉसिबल हो जाएगी उसका जो होना उसका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा और अगर उसका अस्तित्व खत्म हो गया तो आप जानते ही हैं कि उसके प्रिपिकॉशंस कितने खराब होंगे दे कैन ऑल्सो हेल्प आर शोर फाइट अगेंस्ट एग्रेसिव करंट्स एंड इोशंस जो प्लांट होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं जो कि ज़मीन के अंदर होती हैं जो कि वाटर बॉडीज़ के अंदर होती हैं जो कि रिवर बेड्स के अंदर होती हैं वो जो फ्लड्स आते हैं और सॉइल इरोशन होता है उसको भी बहुत कंट्रोल करने की वो करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए और इनफैक्ट फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी फाइन सो वी आर डन विद टू टॉपिक्स वी आर डन विद टेरेस्ट्रियल एंड वी आर डन विद अब आई एम श्योर आपको पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है अब हम आते हैं थर्ड टाइप पे थर्ड होते हैं एपीफाइट प्लांट्स एपीफाइट प्लांट्स कौन से होते हैं ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे पेड़ों के ऊपर रहते हैं ये पैरासाइट्स नहीं होते पैरासाइट्स अलग चीज होती है जैसे आपने जो अमर बेल देखी होगी ना वो येलो कलर की बेल चढ़ जाती है पेड़ों के ऊपर और जिसपे भी चढ़ती है वो पेड़ मर जाता है वो पैरासाइट होती है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं ये एक अलग पे, एक अलग अलग प्रजाति होती है जिसको हम बोलते हैं एपिफाइट प्लांट एपिफाइट प्लांट्स क्या होते हैं दे आर दैट ऑन द टॉप ऑफ अदर प्लांट्स ये दूसरे तो पेड़ों के ऊपर ग्रो करते हैं जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका राइट ये एक बार्क है पेड़ की जिसमें पे से ये एक पेड़ उग रहा है तो दिस इज दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एपीफाइड प्लांट्स और ये ट्रीज़ के साथ को एग्जिस्ट करते हैं ये ऐसा नहीं करते हैं कि उनका पूरा न्यूट्रिशन खा जाएंगे पूरा एनर्जी ले लेंगे और उनके पास जो मेन ट्री है उसके पास उसकी वो सूखने लगेगा या खत्म हो जाएगा मर जाएगा नो ये बहुत पीसफुल होते हैं बेचारे बड़े अच्छे से शांति से को एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ ये उनके ऊपर जरूर रुकते हैं लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाते ये हार्मोनियस एंड हार्मलेस वे में उनके साथ रहते हैं या उनके ऊपर रहते हैं अब द टर्म एपिफाइटिक जो है ये टर्म ग्रीक से आया है जिसमें एपी का मतलब होता है अपॉन ठीक है और फाइटन का मतलब होता है फाइथोन का या फाइटन का मतलब होता है प्लांट तो अब इसका मतलब हमने जो ब्रेक किया तो हमें एग्जैक्टली exactly मतलब पता चल गया अपॉन प्लांट राइट तो ये सीधे सीधे हमको उसका मतलब भी पता चल गया अब एपिफाइटिक प्लांट्स आर समटाइम्स कॉल्ड एयर प्लांट्स इनको ना एयर प्लांट्स भी बोला जाता है जैसे कि हमने जो पहला पढ़ा था उसको हमने पढ़ा था कि उसको टेरिस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है है हाँ ना एक्वेटिक प्लांट को तो वाटर प्लांट भी कहते हैं कई लोग और इसी तरह इनको एयर प्लांट्स बोलते हैं अब इनको एयर प्लांट्स क्यों बोलते हैं एयर प्लांट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जमीन के अंदर नहीं गड़े होते क्योंकि होते तो लैंड के ऊपर हैं लेकिन इनकी जड़ें ज़मीन के अंदर नहीं होती बल्कि किसी और प्लांट के ऊपर उगते हैं तो देखा जाए तो ये हवा में ही उगते हैं ना तो इस वजह से इनको एयर प्लांट बोला जाता है बिकॉज दे डू नॉट रूट सिर्फ लैंड के ऊपर हो ये पानी के अंदर भी होता है राइट right? एलगी की कुछ वेराइटी होती हैं कुछ किस्में होती हैं जो कि पानी के अंदर यही काम करती है और वो एक्वेटिक भी होती है और एपिफाइट भी होती है तो दे आर टू इन वन तो जैसे कि ये सीवीड uh, होते हैं या एंजियोस्पर्म्स होते हैं एक्वेटिक वो इस तरह की कुछ वेराइटीज होती हैं जो पानी के अंदर होते हैं दे आर एक्वेटिक एंड दे आर एपिफाइट अब ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये अपना न्यूट्रिशन कैसे पाते हैं अब न्यूट्रिशन की जहाँ तक हमने बात की आ, मिट्टी में तो ये गड़े नहीं हुए हैं इनके रूट्स तो मिट्टी में है नहीं ये तो किसी और पेड़ के साथ उग रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है दे दैट ग्रोज ऑन द सर्फिस ऑफ प्लांट एंड डिराइव इट्स मॉइस्चर एंड न्यूट्रिंट फ्रॉम द एयर रेन एंड वॉटर इन मरीन जब हम मरीन की बात कर रहे हैं तो मरीन एनवायरमेंट में जैसे कि मैंने अभी आपको पहले एग्जाम्पल दिया उसमें ये पानी से भी अपना न्यूट्रिशन जो है इनको मिल जाता है जहाँ बात हम कर रहे हैं मरीन एन्वायरमेंट की लेकिन इन जनरल इनको अपना न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है ये मॉइस्चर न्यूट्रीन को मिलता है एयर से रेन से एंड फ्रॉम द डेबरी ऑफ अक्यूमुलेटेड अराउंड देम Accumulating around them. जो कि डेबरी इनके आस पास रखता है उससे भी इनको न्यूट्रिशन मिल जाता है तो ये बेचारा जो ट्री है जिसके ऊपर ये रहते हैं ये जहाँ ही उगते हैं ये उसको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते और ना ही उसको उससे पूरा उसका न्यूट्रिशन छीनते हैं राइट सो दे आर वेरी लाइक देर क्वाइट फ्रेंडली इन नेचर वी कैन से दूसरा Epiphytes take part in nutrient cycle and add to both the diversity and biomass of the ecosystem in which they occur, like other organisms. अब ये भी बहुत important होते हैं इनकी भी importance होती है इसलिए नहीं क्योंकि बेचारे किसी और के ऊपर उग रहे हैं तो उनकी कोई importance नहीं है इनकी बहुत importance होती है और ये ecosystem में भी उतना ही important role play करते हैं जितनी बाकी तरह की varieties play करती हैं right? इनके भी nutrient cycles होते हैं इनके भी कुछ benefits होते हैं ये भी यू नो प्रोवाइड करते हैं नेचर को अपनी तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तो ऐसा नहीं है कि बुरे होते हैं ये पैरासाइट्स नहीं होते ये अपने आप में अच्छी स्पीशीज होती हैं और इनकी अपनी अपनी एक कंडीशनिंग होती है अपना एक नेचर होता है और ये अपने तौर पे नेचर को देते हैं दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर मेनी स्पीशीज और ये स्पीशीज़ को भी काफ़ी सारे जो फूड्स हैं काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं जो एनिमल स्पीशीज़ हैं वो इन पर डिपेंडेंट होती हैं उनको भी फूड प्रोवाइड करते हैं टिपिकली ओल्डर पार्ट ऑफ प्लांट्स विल हैव मोर एपिफाइट्स ग्रोइंग ऑन देम। जो ओल्डर प्लांट्स जो ओल्डर पार्ट रहते हैं ना उसमें और छोटे 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 एपिफाइड्स और ग्रो होने लगते हैं तो so, ये वो काम भी करते हैं उसके अलावा ये पैरासाइट्स नहीं है जैसा कि मैंने आपको कहा कि बिल्कुल भी पैरासाइट नहीं है दे ग्रो ऑन अदर प्लांट फॉर फिज़िकल सपोर्ट ये बेचारे सिर्फ फिजिकल सपोर्ट के लिए क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि अपने आप जमीन पर उग सकें ये सिर्फ फिजिकल सपोर्ट की वजह से किसी और ट्री के ऊपर उगते हैं दैट इज़ इट ये पैरासाइट नहीं होते दे आर गुड पीपल ओके दे आर गुड गुड पीपल एंड डू नॉट नेसरली अफेक्ट द होस्ट नेगेटिवली और नेगेटिवली उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करते और नेगेटिवली उसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते ये सिर्फ फिजिकल सपोर्ट के लिए दूसरे पेड़ के ऊपर उग जाते हैं दैट इज़ इट एंड ऑर्गेनिज्म आर ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स इज नॉट अ प्लांट मे बी कॉल्ड एपी बाय ओके सो वी गॉट द न्यू टर्म यू लर्न अर्म हि यू गॉट एट नाउ वी आर कमिंग टू अन अदर सेक्शन अब हम इसके अलग सेक्शन पे आते हैं अभी तक तो हम बात करें थे कि क्या होते हैं कहाँ उग जाते हैं अब हम थोड़ा सा और इसको अपने नॉलेज को डाइवर्सिफाई करते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं होते है, words, and algae. और इन द ट्रॉपिक्स या फिर ट्रॉपिक्स में मिलते हैं जैसे कि फर्न कैक्टी ऑर्ड्स एंड ब्रोमेलियस्ट फाइट तो अब हमें पता चल गया कि किस तरह के होते हैं कौन कौन से होते हैं हमें इनके एग्जाम्पल भी पता चल गए अब एपिफाइड स्पीशीज में गुड हाउस प्लांट्स ड्यू टू देर मिनिमल वाटर एंड सोल रिक्वायरमेंट्स तो आजकल ना ये जो प्लांट्स है, हैं एपीफाइड्स ये आप नॉर्मली घरों में गार्डन में बहुत देखेंगे इनफैक्ट अगर आप पार्कस में जाते हैं या आप घर पर भी कोई आपके गार्डन है तो आप देखेंगे कि लोग आजकल बड़ा प्रेफर करते हैं इनको क्यों क्योंकि ना इनको ज़्यादा सॉयल सॉयल तो उनको चाहिए ही नहीं होती है तो किसी और पेड़ के ऊपर रुकते हैं सॉयल की जरूरत नहीं होती इनको पानी की भी जरूरत नहीं होती बाकी अपना न्यूट्रिशन बेचारे खुद ही ले लेते हैं तो इनको मेंटेनेंस के लिए uh, ज़्यादा जरूरत नहीं होती सो दे आर वेरी लो मेंटेनेंस काइंड ऑफ प्लांट सो दे आर वेरी मच प्रिफर दिस डेज फॉर द गार्डन्स एंड हाउस गार्डन्स स्पेशली या फिर पब्लिक गार्डन्स में भी बहुत यूज़ किए जाते हैं एपिफाइड प्रोवाइड अ रिच एंड डाइवर्स हैबिटेट फॉर दर्गना फॉर द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एनिमल्स फंजा एंड बैक्टीरिया तो ऑब्वियसली वो बाकी जैसे मैंने कहा कि उनकी अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो अपनी तौर पे अपने तरह से नेचर को या इकोलॉजी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और वो फूड भी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ को जिसमें एनिमल्स भी होते हैं बैक्टीरिया भी होते हैं फनजाए फंगाए वो रेवर यू लाइक टू कॉल इट वो भी होते हैं सो दे आर गुड बींग्स हु आर डूइंग लॉर्ड ऑफ गुड वर्क्स राइट यू कैन सी द एग्ज़ाम्पल ऑफ इट हे इज द फोटो विजिबल टू यू आई होप द फोटो इज विजिबल टू यू आप देख सकते हैं कि कई बार देखिये जो ये जो आप देख रहे हैं ना एक दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एपिफाइट अब हम लास्ट की बात करते हैं हमने तीन कैटेगरीज पढ़ ली अब हम लास्ट वाली कैटेगरी की बात करते हैं आई एम श्योर ये तो शायद आपको पता भी नहीं होगा कि इस तरह की कोई कैटेगरी एग्जिस्ट करती है या फिर हम नॉर्मली इसको कह देते होंगे कि ये तो अरे ये तो अपने आप कोई पेड़ उगाया है राइट right? हमें तो ये भी नहीं पता था कि ये कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है और उनका कोई पर्टिकुलर नाम भी है हम अभी तक ये सोचते थे कि अरे ये तो अपने आप ही यू नो रॉक के बीच में से उगाया है ये अपने आप ही हिल पे से उगाया है हमें ये पता ही नहीं था कि इनके पर्टिकुलर नाम भी होते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट लीथोफाइटिक प्लांट्स लिथोफाइटिक प्लांट्स जो कि रॉक्स के अंदर आसपास या रॉक्स के ऊपर जो प्लांट उगते हैं उनको लिथोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं ये देख रहे हैं आप यू कैन सी हियर ये जो प्लांट जो हमें लगता है ना बेचारे अपने आप ही उगाते हैं इनका नाम होता है राइट सो यू कैन ऑलवेज कॉल देम बाई देर नेम्स एंड प्लान द्रोज ऑन रॉक्स और स्टोनी सॉयल एंड न्यूरिशमेंट फ्रॉम द एटमोसफियर अभी अपना नरिशमेंट कहाँ से लेंगे ऑब्वियसली अब बेचारे ये कोई रॉक के ऊपर उग गए हैं अब इनको लेकिन बढ़ने के लिए तो नरिशमेंट और न्यूट्रिशन चाहिए ना तो ये नरिशमेंट और न्यूट्रिशन वो अपने एटमॉसफेयर से ले लेते हैं अब उसमें मिट्टी में उगते हैं तो मिट्टी से लेते हैं अब ये तो स्टोनी सर्विस में उग गए हैं तो इनको बेचारों को अपने एटमोसफेयर से नरिशमेंट लेना पड़ता है लीजोफाइड रॉक प्लांट्स प्लान दैट ग्रोज ऑल और अमंग रॉक इज सुटेबल फॉर रॉक गार्डन्स ये रॉक गार्डन्स में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अपने आप उग भी जाते हैं और वहाँ पर लगाए भी जाते हैं आजकल तो कल्टिवेट भी किए जाते हैं क्योंकि दे लुक वेरी ब्यूटिफुल एंड दे मेक दैट यू नो दैट स्टोरी थिंग लुक वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी वेरी गुड कोई भी चीज़ जिसमें हरियाली होती है जहां पे हरा रंग आता है तो बहुत सुंदर अपने आप लगने लगती है राइट सो so, आजकल इनको कल्टिवेट भी करने लगे हैं लोग दे फीड ऑफ न्यूट्रीन फ्रॉम रेन वाटर एंड नियर बाय डिकेइंग प्लांट्स अब ये कहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं ये लेते हैं रेन वाटर से या फिर जो डिकेइंग प्लांट्स होते हैं ना आसपास आप देखते हैं कि आ, कई बार रॉक्स के आसपास कुछ प्लांट्स जो हैं वो डिके हो जाते हैं तो ये उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं इंक्लूडिंग दे ओन डेड टिश्यूज या अपने डेड टिश्यूज से भी अपना न्यूट्रिशन पा लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए ये इंतजाम कर लेते हैं अब कैसपोफाइट ग्रोज ग्रोज इन द फिशर्स एंड रॉक्स सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर हैज एक्यूमलेटेड अब इसमें एक प्रजाति है जो कि जो ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पे एक्यूमलेट हो जाता है रॉक्स की जो, जो जगह होती है जो बीच में जो फिशर्स होते हैं ना जो छोटी मोटी खाई जैसी बन जाती है जगहें बन जाती हैं वहां पे जो ऑर्गेनिक मैटर जमा हो जाता है ये उससे भी अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ कर लेते हैं अब टू बी एबल टू एब्सॉर्ब फ्यू न्यूट्रिय अवेलेबल ऑन द रॉक और रॉकी सब्सट्रेट्स एफिशिएंटली लिथोफाइट्स हैव लिथोफाइड्सो सर्टेन एडाप्टेशन अब जैसे जैसे जो भी जगह होती है जिस भी तरह का हमारा हैबिटेट होता है हमें वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए हम इंसान हो चाहे जानवर हो चाहे पेड़ पौधे हो कुछ अडेप्टिव टेक्निक्स वो ओवर द इयर्स ऑफ एवोल्यूशन डेवलप कर ही लेते हैं राइट right? अब क्योंकि इनको स्टोनी सरफेस पे उगना है इनको सॉइल तो मिलती नहीं है तो इनको रॉक के ऊपर उगना है तो अब वहाँ पर अडेप्ट कर लेते हैं कुछ अपने आप को इस तरह से कि वहाँ पर ये अपना न्यूट्रिशन किस तरह से इनको मिलेगा किस तरह से हासिल करेंगे इन्होंने अपने आप को उस तरह के सांचे में ढाल लिया है अब उनने एक अडेप्टशन टेक्निक्स अपनी अलग अलग डेवलप uh, कर ली हैं कि उनको किस तरह से अपना न्यूट्रिशन लेना है दे प्रोजे डिक्रीज नंबर ऑफ रूट हेयर्स एंड लार्जर रूट डायमीटर डायमीटर्स इन कम्पेरिजन टू अदर प्लांट स्पीशीज़ तो उन्होंने उसके लिए क्या किया है ओवर द ईयर्स क्या डेवलप हुआ है कि उनका जो रूट हेयर्स uh, है ना द नंबर ऑफ रूट हेयर जो है वो तो कम हो गए हैं कंपेयर टू अदर स्पीशीज अदर अदर थिंग्स लाइक टेरिस्ट्रियल लैंड या बाकी प्लांट्स से वो जो रूट के जो हेयर्स हैं वो तो कम हो गए हैं लेकिन उसका जो रूट का डायमीटर है वो बढ़ गया है तो रूट का डायमीटर दूसरे प्लांट स्पीशीज के हिसाब से इनका थोड़ा बड़ा होता है एंड लाइथोफाइट्स कैन एज लाइटोफाइड और फैकल्टेटिव फाइन तो ये भी आप समझ गए जो मैंने आपको समझाया कि इसके इन्होंने अपना डायमीटर बढ़ा कर लिया इससे इनको क्या होता है इनसे फायदा होता है लुक एट दिस इफ यू लुक एट दिस यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से ग्रो कर रहे हैं या किस तरह से ये फ्लरिश कर रहे हैं ओके okay? पीछे वर्ड पढ़ा था लाइथोफाइट पे ग्रो बट पार्शली ऑन द रॉक एंड ऑन अदर सबस्ट्रेट साइमल्टेनियसली ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स uh, पर दूसरी जगहों पर दूसरी सतह पर भी उग जाते हैं और पार्शली uh, रॉक्स पे भी उग जाते हैं पर जब हम ऑब्लिगेट की बात करते हैं तो ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ रॉक्स के ऊपर उकते हैं तो ये दोनों में डिफरेंस है ओके सो वी हैव लर्न टू वर्ड्स ऑब्लिगेट एंड फेकल्टेटिव अब इनके एग्जाम्पल्स क्या है हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ये आ जाते हैं काफ़ी सारे इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं काफी तरह के ऑर्किड्स इसमें आ जाते हैं इसमें रॉक्स आ जाते हैं रॉक फेल्ट आ जाते हैं एल्गी आ जाते हैं वर्ड्स आ जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके अगर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे इन डेप्थ तो आपको पता चलेगा कि इसकी एक पूरी की पूरी स्पीशीज हैं एंड लाइन ऑफ प्लांट्स हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल कर ओके सो आज हमने ये पढ़ा कि आ, हम नेचुरल हैबिटेट पे बेस करके किस तरह से प्लांट्स का डिविजन करते हैं राइट सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरी थिंग देट आई टोट यू टूडे आपको ये भी पता चल गया कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैसे होते हैं एक्वेटिक क्या होते हैं बाकी जो बेचारे पेड़ों के ऊपर उगते हैं उन प्लांट्स का भी कोई नाम होता है और जो रॉक्स पे लगते हैं उन प्लांट्स का भी कोई नाम होता है वो ऐसे ही नहीं उगाते जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि नो प्लांट ऐसे ही अपने आप उगाया उनकी अपनी अपनी एक क्लासिफिकेशन होता है प्रजाति होती है सो आई होप यू आर थ्रू विद दैट एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैंने आपको नीचे दिए हैं एमसीक्यू में आपको पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अगर आज का लेक्चर आपने आज का सेशन आपने ध्यान से देखा होगा सुना होगा तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चन और इसके नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे ताकि हम उनके आंसर्स को डिस्कस कर सकें इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी प्रॉब्लम एनी इशूज दैट यू थिंक कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू As you know at Magnet brains we are 100% free channel. So you can always subscribe us and you can ask your friends to subscribe us and we are always there to you know work it out together or hum next session mein, with the answers. Hum aage okay, so take care as of now and I'll see you in the next section. Thank you very much.